मैं निकल रहा हूँ गांव जाने के लिए। सोचा था 8 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन वही होता यार, जो सोचते वैसा कभी होता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, तो उठने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और आज रास्ता चेक कर लिया है, पेरीफेरल वाला जो उस दिन जिसमें फंसे थे वो पूरा खुला है, तो उसी से जाएंगे। अंदर से रास्ता भी नहीं दिखा रहा गूगल मैप। कमाल है, मतलब मैं सब चीज़ कैरी कर लिया, बस अपना फ़ोन लेना भूल गया। ये ऊपर ही छूट गया था, अभी लेके निकल ही रहा हूँ मैं। काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गए। क्विक फ्यूल ब्रेक। आज पेरीफेरल लग गया एंड क्या खाली पड़ा। उस दिन ये रास्ता मिल जाता तो मज़े ही आ जाते, लेकिन उस दिन तो मिला ही नहीं। अभी 51 किलोमीटर तक कहीं कुछ नहीं मुड़ना, सीधा दिल्ली के बाहर। मज़ेदार एकदम। हमें 2 घंटे हो चुके हैं निकले हुए एंड अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। और क्या खुला रास्ता मिला हुआ है यार, मस्त एकदम। 80-90 की स्पीड एवरेज हो रही थी, अभी 73 हो गई खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर ही। क्या जल्दी टूटती है ना। गूगल कह रहा था तुम 3:30 पहुँचोगे, मैंने उसको 2:40 पे तो ले आया उसको। अब देखो कितनी और टाइम टूट सकता है। और मैं सेफली ड्राइव कर रहा हूँ, ना कि मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग नहीं, मैं कॉन्स्टेंटली चल रहा हूँ एक स्पीड में। अनदर फ्यूल ब्रेक। जब पिछली बार रुके तो वहाँ पे टैंक फुल नहीं करवाया था, थोड़ा सा डलवाया था। हमने सोचा हरियाणा से डलवाएंगे। हिसार पहुँच चुके हैं एंड जो डिस्टेंस कवर किया कसम से 3 घंटे में हिसार, नाइस यार। अभी आगे मेरे ख्याल से 40-45 मिनट के लगभग और लगेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। मैं पहुँच गया एंड जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब सीधा हमको जाना है। अभी गाँव से पास में जो सबसे नज़दीक में पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है गोगामेडी, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अभी पुलिस स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं। फटाफट वहाँ से फ्री होके वापस घर जाना है। अब मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए, पैरों में दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। तो पहुँच गया मैं फाइनली एंड आना पड़ा पुलिस स्टेशन। मैं वीडियो बना रहा हूँ पुलिस स्टेशन में आज, लेकिन हाँ कोई नहीं, अभी मैं छुपा लेता हूँ इसको ऐसा करके। अभी फाइल है ये मेरी, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 10-15-20 सेकेंड के काम के लिए इतने किलोमीटर चल के आना पड़ता है, कमाल है ना। तो जो मेरी मार्कशीट वगैरह थी मेरे पास नहीं थी, पीछे मैंने किसी को दे रखी थी हैंड ओवर, तो अभी मैं वापस देना है बिकॉज अभी ये इसका काम है तो देनी पड़ेगी। अभी तो सारा काम फिनिश हो गया, अब फ्री हैं एंड अब घर जाएंगे। बढ़िया से थोड़ा आराम करेंगे, चिल करेंगे। घर पहुंच गया एंड यहाँ जब उतरा हूँ ना तब लगने लगी ठंडी, तो मैंने जैकेट पहन ली। अनार लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने सारे फूल नीचे गिरे हुए हैं। तो इतने सारे अनार वेस्ट हो गए, गिरा जाते हैं वो काट काट के, और जो भी है चोंच चोंच मार के। और यार अभी चाय पीने का तो इतना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी जगह जहाँ जहाँ रुके ना वहाँ चाय मिल गई, तो अब चाय नहीं पीनी। और भूख मर चुकी है चाय की वजह से, तो अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों की आती साइकिल छीन लो, सब में बढ़िया काम है। तो यार मैं ऐसे ही थोड़ा घूम रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट्स लेने की। अच्छा सा एकदम सनसेट हो रहा है सामने, इतना प्यारा लग रहा है। मैं कितना ही अच्छा लग रहा हूँ ना यार। एक तो फ़ोन का कैमरा क्या मस्त कलर्स लेके आता है ना, वो भी सीन है। पता काफ़ी देर हो गई मुझे मत्था पच्ची करते हुए। मतलब मैं और कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो मैं वही कर रहा था। मैं अलग अलग थोड़े से शॉट ट्राई करें, जो शायद वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं किसी खेत में एंड वहाँ से कैरेट्स लेके आ रहे हैं, गाजर। प्लान था आज ही वापस जाने का बट स्टे करना पड़ा। मतलब मैं लैपटॉप कैरी किया मैंने साथ में, क्योंकि मुझे डेली वीडियो डालनी है, 30 दिन तक 30 वीडियो का सीन है। एंड मैं लैपटॉप कैरी किया हूँ बट उसके साथ मैं चार्जर नहीं लेके आया हूँ। चल जाएगा यार, 100% बैटरी में मुझे लगता है 20-30-50% बैटरी जाएगी उसकी वीडियो एडिटिंग में। बची 50% यूज़ कर लूँ और कल तो रात तक शाम तक घर पहुँच ही जाना है वैसे भी। मिशन फेल्ड। हम लोग इतनी दूर गए खेत में एंड दूर ज़्यादा दूर भी नहीं था, थोड़ा दूर था। दूर गए खेत में एंड वहाँ पे अभी क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए, तो उन्होंने बोला कि यार अभी तो ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ी मुश्किल होएगी, तो सुबह सुबह वो लोग कर देंगे, तो हम लोग जाते टाइम पिक कर लेंगे, रास्ता वही पड़ेगा हमको। सो ये अभी सीन है एंड अभी बस घर जाके मेरे को तो सोना है यार। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब हद पार थक चुका हूँ मैं। जिसको देखो स्माइल कर रहा है। हंसे क्या हुए, वीडियो क्या होता, हंसे क्या हुए मैं देखो क्या कैमरे शो। कितने टाइम बाद मैं यहाँ पे इस कमरे में, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने जो भी लॉकडाउन था हम लोग यहाँ पे आ गए थे, पूरा टाइम यहाँ पे बिताया था एंड वापस से यहाँ पे आ चुके हैं। तो यार अभी देखो 7 बज चुके हैं एंड सुबह से लिटरली कुछ भी नहीं खाया है। मतलब जब निकले थे उससे थोड़ी देर पहले पराठे खाए थे 2 या 3, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन से। चाय 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 पीते रहे। तो अभी मैं नीचे जाके खाना खा रहा हूँ एंड देन मुझे ये वीडियो एडिट भी करनी है, देन उसको अपलोड भी करना है। तो ये बहुत बड़ा एक हेक्टिक टास्क हो जाएगा और यहाँ पे इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम रहती है अपलोडिंग। सो मेरे को अभी अपलोड लगाऊंगा तो सुबह तक हो जाएगी जो भी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एड मी ऑन स्नैपचैट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।